हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यम्मी डिलीशियस एंड रेनबो केक रेसिपी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखने में जितना कि कलरफुल है, खाने में उतना ही टेस्टी, सॉफ्ट एंड यम्मी बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड कलरफुल केक बनकर हमारा रेडी हुआ है। और ये एक एगलेस केक रेसिपी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेनबो केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा, यानी कि 1.5 कप मैदा, 1/2 कप शुगर पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके साथ ही हमने लिया है कंडेंस मिल्क, जो कि हम लेंगे 1/2 कप, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, फूड कलर्स, और ये डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स ली हैं। और 1 कप हमने रूम टेम्परेचर पे मिल्क लिया है, एंड 1 कप लिया है रिफाइंड ऑयल। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं शेफ निश्चित, जो कि मेरी आज केक बनाने में मदद करने वाले हैं। तो शेफ निश्चित अपना एप्रन पहनकर तैयार होते हुए, लैपटॉप पे अपने गाने वाने लगा के। तो चलिए केक बनाने के लिए एक बर्तन ले लेते हैं। सबसे पहले उसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल, 1/2 कप शुगर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक फ्लफी स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे, फ्लफी सा पेस्ट बन जाएगा एक, क्योंकि एगलेस केक बना रहे हैं हम। अगर हम एग बनाते हैं तो इसको ज़्यादा फ्लफी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क, एंड मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर स्क्यूअर रख के अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, जो कि हमने 1.5 कप 1.5 कप लिया है। इसको ऐसे स्क्यू करके इसके साथ ही बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे 1.5 स्पून 1.5 चम्मच टीस्पून। इनको स्यू करके इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और अगर हमें पेस्ट ये थोड़ा गाढ़ा लगता है तो हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मिक्स करने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है मैंने। 1/2 कप दूध इसमें ऐड हो गया। तो ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये अच्छा सा हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तो अब हम इनको बाउल्स में निकाल लेंगे। जितने कलर्स आपके पास हों उतने बाउल्स में इनको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। हमारे पास 5 कलर्स थे, तो हमने 5 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये देखिए, 5 पार्ट्स में मैंने इक्वल बांट लिया है इसको। तो अब इसमें हम कलर मिक्स करेंगे। तो ये लिक्विड फूड कलर है मेरे पास, ग्रीन कलर का, इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। पहले हमने इसमें मिक्स कर दिया है, एक पार्ट में इसके मिक्स कर दिया है ग्रीन कलर, और दूसरे पार्ट में हम मिक्स कर रहे हैं अब रेड कलर। दिस इज़ नॉट प्रॉपर रेड कलर, दिस इज़ चेरी रेड कलर, तो इसलिए थोड़ा पिंकिश सा कलर आया था इसका। तो नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं इसमें येलो कलर। तो नेक्स्ट ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं पर्पल कलर। लास्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑरेंज कलर। जो भी कलर्स आपके पास अवेलेबल हों, आप वो कलर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 कलर्स मिक्सचर मेरे पास रेडी हो गया है। तो अब मैंने एक टिन ले लिया है, उसमें एक बटर पेपर कट करके लगा लिया है, और उसको ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे। तो ये शेफ निश्चित साहब ग्रीस कर रहे हैं। तो ये अच्छे से ग्रीस हो गया है। तो अब हम इसमें जो हमने मिक्सचर्स रेडी किए थे उन सबको 1-1 स्कूप करके ऐड करेंगे। तो पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया रेड कलर। तो नेक्स्ट मैंने इसमें डाल दिया है ऑरेंज कलर, उसके बाद ये पर्पल कलर। तो ये पर्पल कलर को मिक्स करने के बाद मालूम नहीं कौन सा कलर बन गया। तो
तो चलो जो है अब वो यूज़ करेंगे। तो ये पर्पल कलर, ब्राउनिश सा कलर जो हो गया वो ऐड कर दिया। इसके बाद ऐड कर दिया एक स्कूप उसी के साइड में ग्रीन कलर, उसके बाद ये साइड में ऐड कर दिया येलो कलर। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अलग अलग कलर डाल के पूरा फिल कर लेंगे अपने टिन को। आप चाहें तो लेयर्स में भी डाल सकते हैं, जैसे पूरी एक लेयर येलो कलर की, फिर उसके बाद एक लेयर ग्रीन कलर की, फिर उसके बाद एक लेयर पिंक कलर की, फिर एक लेयर ऑरेंज कलर की। इस तरह से लेयर्स में भी डाल सकते हैं। हमने स्कूप स्कूप करके ऐड किया है। तो ये देखिए फिर हमने सारा ऐड कर लिया। तो ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया केक। तो अब हम इसको थोड़ा सा टैप करके सेट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो अब हम इसको बेक कर लेते हैं। हमने ओवन में केक बनाया है। ओवन को हमने 150 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। तो 150 डिग्री पे ही 10 मिनट के लिए, पहले मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रखेंगे, उसके बाद 100 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए केक को बनाएंगे, यानी कि टोटल 40 मिनट्स केक को बनने में लगेंगे। तो ये जो एक एक स्कूप या थोड़ा थोड़ा सा जो बच गया था तो उनको बच्चों ने कपकेक्स में सेट कर लिया। तो बच्चे कलर्स को देख के बड़े खुश हो रहे थे। रेड रेड में रेड डाल लिया है, येलो में येलो बैटर डाल लिया है, ग्रीन में ग्रीन बैटर डाल लिया है, और उनके ऊपर से डेकोरेट करने के लिए चोको चिप्स डाल दिए। तो अब ये हम कपकेक्स भी बना लेंगे। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से कपकेक्स लग रहे हैं। तो अभी अब केक बेक हो जाएगा, उसके बाद कपकेक्स को हम 10 मिनट्स के लिए 100 डिग्रीज पे बेक कर लेंगे। तो केक हमारा रेडी हो गया है। तो इसको ये ठंडा हो गया था, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड कर रहे हैं। तो डीमोल्ड कर लिया है हमने केक को। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा देंगे। तो केक को कट करते हैं। देखिए हमने केक को कट कर लिया है। तो ये देखिए इसमें से कलर्स की लेयर जो है कितने बढ़िया से बनकर आई है, शेडिंग कितनी अच्छी हुई है केक की। पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सारे कलर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो कलरफुल होने के साथ साथ एज वेल एज़ ये सॉफ्ट भी बना है। सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बनकर हमारा रेडी हो गया है। रेनबो केक इज़ रेडी। तो फ्रेंड्स ये इजी सी रेसिपी आपको कैसी लगी? तो ये ब्यूटीफुल सा रेनबो केक अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। किड्स को इन्वॉल्व कीजिए, किड्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने कमेंट शेयर कीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपका केक कैसा बना। और नेक्स्ट मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन और कौन सी रेसिपी देखनी है। तो ये देखिए कपकेक्स भी हमारे 10 मिनट्स के बाद अच्छे से पक होके बेक हो गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।